नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के लिए, दोस्तों 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। उनके जो डीए और डीआर है उनको लेकर बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो फिटमेंट फैक्टर है उसको बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है, जिससे कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें इजाफा होगा। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताते कि मोदी सरकार ने कौन सी बड़ी घोषणा की है जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों सेंस पे कमीशन के अनुसार उनको लाभ दिया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक और हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं। मोदी सरकार जल्द ही सेंस पे कमीशन के अनुसार 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा कर सकती है। हमारी सहयोगी जो वेबसाइट जीबीजी के सूत्रों ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं, जिसके बारे में अब एक निर्णय एक महीने पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया गया था। हालांकि केंद्र ने इससे पहले जो अपने केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन उन्होंने सरकार से इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने का आग्रह किया गया था। जीबीजी के मुताबिक बताएं तो दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर है उसे बढ़ने से न्यूनतम वेतन में भी इजाफा हो जाएगा और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57% से बढ़ाकर 3.68% कर सकती है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो कर्मचारी की जो न्यूनतम सैलरी है वो 8,000 रुपये का इजाफा होगा और इसका मतलब ये है कि जो अभी तक जो सिफारिश के मुताबिक 18,000 रुपये से बढ़कर वह 26,000 रुपये हो जाएगी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही अपने अधिकारियों के महंगाई भत्ते यानी कि जो डीएनएस अलाउंस है उसमें 5% तक की जो इजाफा किया था और सरकार ने महंगाई भत्ता जो डीए है उसको 12% से 17% कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख जो पेंशन धारक है उसको इसका फायदा मिला था। उधर ही जो मोदी सरकार सेंस पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार जम्मू कश्मीर लखाद के सभी सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय जो सुविधा है वो मिलेगी और इस निर्णय से जो संघ शासित प्रदेश 4.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की मदद मिलेगी और ये क्रमिक प्रदेश जम्मू कश्मीर और लखाद के क्रमिक कहलाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में सेंस पे कमीशन लागू होने के कारण सरकार करीब 48,000 करोड़ रुपए का सालाना भार वहन करेगी और यह 4.5 लाख जो क्रमिक बच्चों की शिक्षा का भत्ता, आवास भत्ता, यात्रा भत्ता, एलटीसी और मेडिसिन भत्ता और अन्य भत्तों के रूप में उनको मिलेगा, जिससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। सरकार ने पिछले ही महीने जो अपने कर्मचारी हैं उनके लिए एमसीएपीएस यानी शोधित आश्वासन कैरियर प्रगति योजना और इस योजना को जारी रखने के लिए सेंस पे कमीशन की सिफारिश को स्वीकार किया गया था, जिसके तहत उन्हें 10, 20 और 30 वर्षों में पहले की तरह सुनिश्चित पदोन्नति मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।